हेलो फ्रेंड्स, आज हम घर के किचन गार्डन में से ढेर सारी सब्जी लेके बनाएंगे बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम किचन गार्डन में से बैंगन ले लेते हैं। बड़ी साइज का बैंगन है, एक बैंगन से हमारा बैंगन का भरता हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज का बैंगन ले लिया है, ढेर सारा बैंगन आया है, उसकी भी हम आगे रेसिपी बनाएंगे। अब हम लेंगे टमाटर। तो टमाटर हम कच्चा वाला यूज नहीं करेंगे, पके हुए टमाटर लेंगे। तो वो टमाटर भी बैंगन का भरता में डालेंगे। तो टमाटर भी बहुत सारा आया है। तो यहाँ पे हमने मस्त पके हुए टमाटर ले लिया है, अराउंड 8 से 10 टमाटर लिया है। उसके बाद लेंगे खट्टा वाला जो टमाटर आता है ना, देसी टमाटर, वो भी लेंगे। उसमें ज्यादा सीड भी होता है और थोड़ा सा खट्टा भी होता है। तो दाल एंड सब्जी में डालते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है मुझे। वो भी अराउंड 10 से 15 जितना टमाटर लूंगी। उसके बाद हम लेंगे हरी मिर्ची, तो अराउंड 3 से 4 जितनी मिर्ची मैं कट करूंगी। उसके बाद हम लेंगे शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च में एक ही कट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने बैंगन, टमाटर, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च, ढेर सारा वेजिटेबल्स ले लिया है। और अगले दिन मैंने फ्रेश लहसुन एंड हरा वाला प्याज भी ले लिया था, तो उसकी क्लिप मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम वेजिटेबल्स को फ्रेश पानी से धो लेते हैं। धोने के बाद ढेर सारा वेजिटेबल्स को कट करके रेडी करेंगे। अभी हम बैंगन का भरता बनाने वाले हैं ना, तो सबसे पहले हम बैंगन को बीच में कट लगा के उसको हम शेक लेते हैं, गैस पर शेकेंगे। तो इस तरह से कट करने से बैंगन फटाफट रोस्ट हो जाता है, नहीं तो अंदर से बहुत टाइम लगता है शेकने में। तो ये साइड हमारा बैंगन रोस्ट हो रहा है ना, तब तक हम वेजिटेबल्स को कट करेंगे। तो हरा वाला लहसुन, हरा वाला प्याज, उसके बाद छोटी साइज का टमाटर, बड़ी साइज का टमाटर, स्मॉल साइज की चिली और कैप्सिकम को कट करके रेडी करेंगे। तो सबसे पहले कट करेंगे कैप्सिकम को। तो लीजिए, यहाँ पे हमने टमाटर, हरा वाला प्याज, तो पत्ते के साथ हरा वाला प्याज को कट किया है। उसके बाद एक कैप्सिकम और खट्टा वाला जो टमाटर है ना स्मॉल साइज का, उसको भी कट कर लिया है। हरी मिर्च को भी कट किया है और हरा वाला लहसुन को भी इस तरह से कट कर लिया है। और यहाँ पे हमारा बैंगन भी रोस्ट हो चुका है, तो गैस की फ्लेम बंद करके बैंगन के ऊपर से स्किन निकाल के बैंगन को मैश करके रेडी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं ये बैंगन को छोड़ के अराउंड 2 घंटे के बाद मैं बाहर गई थी। आने के बाद मैंने ये बैंगन के ऊपर से स्किन निकाल के उसको मैश किया था, तो थोड़ा सा काला टाइप का हो गया है। तो गैस पर रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे अराउंड 3 से 4 टेबल स्पून जितना तेल, तेल जितना आपको पसंद है उतना आप डाल सकते हो। तेल गर्म हो जाए उसके बाद डालेंगे सबसे पहले जीरा आधी स्पून जितना, उसके बाद डालेंगे हींग, उसके बाद डालेंगे कट किया हुआ लहसुन, फ्रेश ताजा हरा वाला लहसुन डाला है, उसके बाद डालेंगे कट किया हुआ हरी मिर्ची, उसके बाद हरा वाला प्याज, उसके बाद कट किया हुआ कैप्सिकम, एक साथ सारी चीजें हम डाल देंगे। उसके बाद कड़ी पत्ता, सारी चीजें को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर से डालेंगे फिर से थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना, तो टोटल आधी स्पून जितना हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर से डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून जितना, मिर्ची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद डालेंगे ऊपर से कट किया हुआ स्मॉल साइज का टमाटर, उसके बाद दूसरा वाला टमाटर को कट किया है वो भी डालेंगे, स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। नमक डाल के टमाटर इन सारी चीजें को हम मिक्स करेंगे। तो बैंगन का भरता में जो सारी चीजें हमने लिया है ना, मतलब वेजिटेबल्स, वो सब घर का गार्डन का है, तो उसकी कोई भी सब्जी बनाते हैं बहुत टेस्टी बनती है, फटाफट गल जाती है। तो यहाँ पे हमने टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी हम डालेंगे उसमें मैश किया हुआ बैंगन। बैंगन डाल के ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, अच्छे से भरता को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कढ़ाई के ऊपर इस तरह से डिश या कोई भी प्लेट रख के ये भरता को हम अराउंड 2 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। 2 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो टमाटर ये सारी चीजें अच्छे से गल चुकी है, आप देख सकते हो हमारा बैंगन का भरता बन के रेडी हो गया है। तो ये भरता बाजरे की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो ऊपर से डालेंगे हरा वाला धनिया, वो भी घर का गार्डन का ही है। तो यहाँ पे हमारा गरमा गरम बैंगन का भरता खाने के लिए रेडी हो चुका है, और यहाँ पे बन रही है गरमा गरम बाजरे की रोटी। तो बाजरे की रोटी की तो रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसकी मैंने क्लिप नहीं निकाला है। तो बाजरे के आटे में थोड़ा सा नमक डाल के आटा को अच्छे से मसल के रेडी कर लिया था, उसके बाद मैं इस तरह से रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी रोटी बन गई है। तो ये रोटी हम मिट्टी के पैन में डालेंगे, अच्छी खासी सेकेंगे। इस साइड हमारी रोटी बन रही है ना, तब तक हम प्लेटिंग के लिए सारी चीजें रेडी करेंगे। तो ये बाउल में डालेंगे मस्त गाढ़ा और ठंडा वाला दही। तो दही हमारा रेडी है, उसके बाद दूसरे बाउल में डालेंगे गरमा गरम बैंगन का भरता।
ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश धनिया से गार्निशिंग करेंगे। तो बैंगन का भरता भी रेडी है। तो ये सारी चीजें हम डिश में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने बैंगन का भरता और ठंडा ठंडा दही रख दिया है। और दूसरी साइड हम रोटी को भी देख लेते हैं, उसको भी हम डायरेक्टली गैस पर सेक लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म बाजरे की रोटी भी रेडी है। तो उसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी। घी लगा के गरम गरम रोटी हम थाली में रख देते हैं। तो गरम गरम बाजरे की रोटी भी रेडी है। उसके बाद यहाँ पे हमारी खिचड़ी भी रेडी है, तो वो भी हम एक बाउल में सर्व करेंगे। तो थाली में रखा है बैंगन का भरता, ठंडा ठंडा दही, खिचड़ी, बाजरे की रोटी और यहाँ पे हम रखेंगे हरा वाला प्याज। उसके बाद मैंने मेथी वाली मिर्ची भी बना के रेडी किया था, वो भी हम डिश में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने किचन गार्डन में से ढेर सारा वेजिटेबल्स लेके हमने बैंगन का भरता बनाया था, तो वो थाली हमारी रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।